The internet is full of bro science, fake knowledge, half information, or propaganda. Your quest of reliable, authentic health information ends here. So subscribe this channel and hit the bell icon, and you never have to go anywhere else ever again. Namaskar, aadab, sat sri akaal, dosto, main hoon Dr. Paramjeet, aap dekh rahe hain Dr. Education. So dosto, makeup, lipstick, mascara, blush, foundation, eyeliner, बहुत से ब्यूटी प्रोडक्ट्स आप एज अ फीमेल रेगुलरली यूज़ करते हैं होंगे और उसके वजह से आपके स्किन पे क्या साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं और आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, आज उस टॉपिक को ज़रा हम छेड़ेंगे. सो अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक का बटन दबा दीजिए, शेयर कर दीजिए. और सबसे बड़ी बात, अनहेल्दी मेकअप हैबिट्स हैं आपके तो फिर आपके मेजर साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, इंक्लूडिंग एक्ने, आपकी एजिंग जल्दी हो सकती है, ड्राइनेस आ सकती है, ऑयलीनेस आ सकती है. सो मेकअप के जो हार्मफुल इफ़ेक्ट्स हैं उसको समझते हैं. सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो मेकअप की वजह से होती है कि वो आपकी जो स्किन के ऊपर नेचुरल पोर्स होते हैं वो उसको ब्लॉक या क्लॉग कर देते हैं और ये बहुत आसानी से क्लॉग हो जाते हैं. और ख़ासकर अगर आप भूल गए मेकअप उतारना या बहुत लंबे समय तक मेकअप रह गया, रात में रह गया या लेजी रह गए, इसको हम बैड हैबिट्स, मैड अनहेल्दी मेकअप हैबिट कह सकते हैं, उस केस में इशू हो जाएगा, राइट. तो इन दैट केस आपके बम्प्स आ सकते हैं, ब्लैक हेड्स आ सकते हैं, वाइट हेड्स आ सकते हैं, एक्नी आ सकते हैं और इवन अगर आँख के पास रह जाए तो आँख इरिटेट हो सकती है. जो लोग सेंसिटिव हैं उनके रैशेज आ सकते हैं, उनको इश्यूज हो सकते हैं. ऐसे ही एक ऊपर से लगाया गया मेकअप अपने आप में लंबे समय रह जाए, ओवरनाइट रह जाए, तो ये आपके स्किन को ड्राई कर सकता है. स्किन के ऊपर ड्राइनेस और मेकअप के अपने आप खुद साइड इफ़ेक्ट से आपके रिंकल्स, जो एजिंग प्रोसेस है, उम्र आपकी बढ़ सकती है. प्लस सन डैमेज हो सकता है, क्योंकि क्या होता है, कई लोग मेकअप पहन लेते हैं, मेकअप के चलते सनस्क्रीन नहीं पहनते और धूप से नहीं बचते, धूप में घूमते, देन बोथ आर कंबाइंड, एजिंग प्रोसेस, सन डैमेज, मेकअप डैमेज, तीनों जुड़ जाते हैं. सो दैट इज़ अ बिग इशू. इफ़ यू आर नॉट वेयरिंग अ सनस्क्रीन यू हैव टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ फ्रॉम द सन. धूप में नहीं जा सकते फिर, राइट, हैवी धूप में तो बिल्कुल भी नहीं. ऑलराइट, सो दैट इज़ वन साइड इफेक्ट्स, प्री मेच्योर एजिंग. ओके, थर्ड इज योर ड्राइनेस या ऑयली स्किन. ना कुछ मेकअप्स जो होते हैं वो स्किन को ड्राई कर देते हैं, कुछ उसे ऑयली कर देते हैं. डिपेंड करता है मेकअप के अंदर ऑयल है या नहीं है या अब्सॉर्बेंट मटेरियल है. जिनकी नेचुरली ड्राई स्किन है वो अपने मेकअप को ध्यान से इस्तेमाल करें, ठीक है. और मतलब आपको क्या करना है, अगर आपका स्किन शाइनी नहीं दिख रहा, शाइनी ज़्यादा दिख रहा है तो ऑयली हो गया, ड्राई दिख रहा है तो पता चलेगा, वो बोलने की जरूरत, फ्लेकी दिख रहा है, स्केली दिख रहा है, इट्स एक्सट्रीमली ड्राई, दैट मीन्स योर मेकअप नीड्स टू बी चेंज, या आपकी वाटर इनटेक बढ़ानी होगी, स्किन केयर रूटीन चेंज करनी पड़ेगी, राइट. एंड इफ़ यू वेयर मेकअप एवरी डे तब भी इस केस में ज़्यादा रिस्क हो जाता है आपके स्किन केयर रूटीन का. और वॉट इज़ दी बेस्ट वे, हेल्दी क्या है, कैसे करना है. पहले तो आपको हर रात को अपना मुंह धो के ही सोना है, राइट. वेरी इंपॉर्टेंट टू टेक ऑफ योर मेकअप. और सबसे बड़ी चीज़, सिर्फ मेकअप निकालना, फेस वॉश करना काफ़ी नहीं है, मेकअप के जो ब्रशेज होते हैं उसको भी वॉश करना बहुत ज़रूरी है. जो मेकअप वहाँ रह जाता है दैट कैन एक्चुअली कॉज अ लॉट ऑफ इशूज. उसके ऊपर बैक्टीरियाज रह सकते हैं आपके स्किन के, आपके उसके ऊपर स्वेट डेड स्किन सेल्स रह सकते हैं और उसके बैक्टीरिया जो है वहाँ ग्रो कर सकते हैं. सेकंड टाइम लगा के इजीली फिर आपको पिंपल्स हो जाएंगे आपके स्किन के ऊपर, दैट इज़ अ बिग इशू. सो क्लीन योर ब्रशेस और रेगुलरली. उसके बाद में मॉइस्चराइजर्स एंड सनस्क्रीन्स बहुत ज़रूरी हैं जो आपको अपनी स्किन टाइप के हिसाब से यूज़ करनी है. उसके लिए ड्राई स्किन, ऑयली स्किन के केयर्स के वीडियो, रेगुलर स्किन केयर के वीडियोज हमारे चैनल पर मौजूद हैं. उसके बाद मेकअप प्रोडक्ट भी आपको अपने स्किन टाइप के हिसाब से ही चूज़ करना चाहिए, वो भी स्किन केयर वीडियोस के थ्रू आप देख सकते हैं. सबसे बड़ी चीज़, डू नॉट शेयर योर मेकअप्स. आप अपने मेकअप्स को अगर शेयर करते हैं तब क्रॉस कंटेमिनेशन के या इन्फेक्शन के रिस्क बढ़ जाते हैं, तो मेकअप को शेयर ना करें तो बहुत बेहतर होगा. उसके अलावा आपको अपने रेगुलर डाइट में खूब सारा पानी, अच्छी नींद लेनी ज़रूरी है, खाना टाइम से खाना ज़रूरी है, एक बैलेंस डाइट और एक्सरसाइज भी ज़रूरी है. जनरल स्किन केयर हैबिट्स आपके अच्छे होने चाहिए, जिसके ऊपर जो वीडियोस हैं हम इसको आपके आई बटन पर लगा देंगे, आप उसे जाके देखो, समझो, अपनी स्किन की हेल्थ सही रखो. ठंड के मौसम में पानी ज़्यादा पियो, मॉइस्चराइज़र लगाइए, डू नॉट अप्लाई वैसलीन, पेट्रोलियम जेली, रैदर देन अप्लाई मॉइस्चराइज़र. और ऑयल भी लगा सकते हैं, सिंपल नारियल तेल,
और कोई टेंशन नहीं, ठीक है। सो दिस इज द बेस्ट हैबिट फॉर योर स्किन। स्किन केयर को अपने रिफाइन कर सकते हैं आप। अगर उसमें डाउट है हमारी वीडियोस देखिए, फिर भी डाउट है डर्मेटोलॉजिस्ट से बात करिए। ऑलराइट, आई होप दिस वीडियो हेल्प। प्लीज शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू सो मच। स्टे कनेक्टेड, स्टे हेल्दी।